दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का असम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि एलएसी पर तनातनी कम करने के लिए चीन कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन इस शक के चलते सेना है अलर्ट पर। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय और चीनी सेनाओं ने दो महीने से अधिक लंबे सीमा गतिरोध के बाद लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ तीन टेंशन वाले बिंदुओं पर अपने सैनिकों को कुछ पीछे लेने जाने की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय सेना के सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि पीएलए को 15 जून की झड़प की जगह गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में बनाए गए टेंट और अन्य अस्थायी संरचनाओं को हटाते हुए देखा गया है। भारतीय सैनिकों ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा में पीएलए वाहनों के पीछे की ओर जाते हुए देखा है। हालांकि अधिकारियों को घटनाक्रम के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। एक अधिकारी ने कहा ये बेबी स्टेप है, चीनी ने 1.5 किलोमीटर पीछे गए हैं और भारतीय सैनिक भी थोड़ा पीछे हट गए हैं, जो एक अधिकारी नहीं चाहता था, लेकिन ये आंदोलन उल्टा है, वे वापस आ सकते हैं, हम चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से गलवान घाटी में हमारे देश के सैनिक लोग डटे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 7 लाख के पार पहुंचे और जान जाने का आंकड़ा भी 20,000 के करीब है। जी हम बात करें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले अब 7 लाख को पार कर गए हैं। वर्ल्डोमीटर की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम तक भारत में 7,04,607 कोरोना मरीज मिल चुके हैं और वहीं 19,782 लोगों की इस वायरस से जान जा चुकी है। देश में 2,54,918 एक्टिव केस हैं और वहीं अब तक के 4,29,907 मरीज कोरोना के संक्रमण के बाद रिकवर भी हो चुके हैं। और कुछ हद तक ये राहत की बात ये है कि देश में कोरोना से रिकवरी दर कई दूसरे देशों से काफी बेहतर है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में स्कूल बंद होने से नहीं मिल रहा मिड डे मील, कूड़ा बेचने को मजबूर हुए बच्चे। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने गरीब तबके को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। बिहार के भागलपुर जिले से अब एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां स्कूल बंद होने के बाद अब बच्चे कूड़ा बेचने पर मजबूर हैं। प्रशासन इनकी मदद का दावा तो कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। और वहीं कई इलाकों में गरीबों को राशन भी नहीं मिल पा रहा है, जहां मिला भी वो काफी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर के मुसाहरी टोला में दलितों का बुरा हाल है। स्थानीय निवासी दीनू के मुताबिक जातिगत भेदभाव की वजह से उनके पास सिर्फ दो काम है, या तो वो कूड़ा बीने या फिर भीख मांगे। लॉकडाउन ने उनकी हालत और खराब कर दी है। बच्चे पहले स्कूल जाते थे तो उन्हें मिड डे मील के तहत कम से कम खाना मिल जाता था, लेकिन अब वो भी बंद है, जिस वजह से बच्चे भी कूड़ा बीनने पर मजबूर है। और अब बता दें कि भूटान के बहाने भारत के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है चीन। जी हम बात कर रहे हैं कि चीन ने अब भारत के पड़ोसी भूटान की जमीन पर नया दावा कर डाला है। पहली बार चीन ने इस बात को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसका भूटान के साथ उसके ईस्टर्न सेक्टर में सीमा विवाद है। माना जा रहा है कि चीन जानबूझकर ऐसा कर रहा है, उसकी मंशा भूटान के मित्र देश भारत के खिलाफ नए मोर्चे को खोलना है। भूटान के पूर्वी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश है और चीन इसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा करार देता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने ये कहा है कि उसका भूटान के साथ सीमा विवाद है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर को लेकर अलग अलग नजरिया है। चीन का कहना है कि उसका भूटान के साथ कभी सीमा विवाद सुलझा ही नहीं है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें सर्वे के मुताबिक कोरोना संकट में 12% स्टार्टअप हो चुके हैं बंद, 70% की हालत है खराब। जी हम बात करें कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने इंडियन एंजल नेटवर्क IANN के साथ एक सर्वे में पाया है कि लॉकडाउन और कोरोना से देश में स्टार्टअप पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। देश में बहुत बड़ा तादाद में स्टार्टअप इससे प्रभावित है, 12% तो पूरी तरह बंद ही हो गए हैं और 70% की हालत खराब है और कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। फिक्की और IANN ने भारतीय स्टार्टअप्स पर COVID-19 के प्रभाव विषय पर यह राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है, जिसमें 250 स्टार्टअप को शामिल किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि कारोबारी माहौल में अनिश्चितता के चलते स्टार्टअप संघर्ष कर रहे हैं।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा उन्होंने परीक्षा भी नकल करके पास ही की होगी। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने परीक्षा भी नकल करके ही पास की होगी। दरअसल राहुल गांधी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसी बात को लेकर अशोक पंडित ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। अशोक पंडित ने अपने ट्वीट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। अशोक पंडित ने ट्वीट में लिखा है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि राहुल गांधी ने परीक्षा भी नकल करके ही पास की होगी जिस भी कक्षा में वो होंगे, क्योंकि वो जरूर क्लास बंक करते होंगे। और ठीक इसी तरह वो कभी डिफेंस मीटिंग में भी नहीं गए और बेशर्मों की तरह लेक्चर देना चाहते हैं। अशोक पंडित के इस ट्वीट पर किसी ने उनका समर्थन किया तो किसी को उनका ऐसा कहना पसंद नहीं आया। वहीं किसी ने उनके इस ट्वीट पर चुटकी भी ली है। एक यूजर ने कहा कि पंडित जी आप कैसी कैसी बातें करते हो, अभी तो वह बालक है, बहुत उम्र पड़ी है सीखने की, बाद में सीख लेंगे, अभी तो पर्ची आ जाती है कि क्या बोलना है और क्या ट्वीट करना है। एक अन्य यूजर ने कहा कि भक्ति रस कितना प्रश्न करोगे भाई लिमिट में। एक अन्य यूजर ने कहा कि अरे पिछले साल इन्होंने कॉलेज में ड्रॉप आउट कर लिया था। और वहीं एक और यूजर ने मजाक में कहा कि वैसे मीटिंग अटेंड भी करता तो क्या, समोसे खाने के साथ में चाय पी के मीटिंग रूम के पर्दे से हाथ पोंछ के आ जाता था। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, शिवसेना का योगी सरकार पर हमला, कहा कहीं विकास दुबे भी नेपाल जाकर दूसरा दाऊद तो ना बन जाए। जी हम बात कर रहे हैं कि यूपी के कानपुर एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीते शुक्रवार को कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें से 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पुलिसकर्मियों पर हुए इस हमले के बाद से विकास दुबे अभी तक फरार चल रहा है। और वहीं इस एनकाउंटर को लेकर अब शिवसेना ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि अगर आज भी बदमाश इस तरीके से पुलिस कर्मियों को मारते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ के यूपी में क्या बदला है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार की पोल खुली है। शिवसेना ने सामना में योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा कि कानपुर एनकाउंटर की घटना ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार और यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसने के उनके दावे की पोल खोल दी है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और मैं अगली खबर बता दें कि ह्यूमन ट्रायल के लिए पश्चिम बंगाल के इस स्कूल टीचर के पास पहुंचा आईसीएमआर का फोन। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए पश्चिम बंगाल के स्कूल टीचर चिरंजीत डीबर को भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की ओर से बुलाया गया है। हालांकि उनको अभी ये नहीं बताया गया है कि ट्रायल किस तारीख से शुरू होगा, लेकिन चिरंजीत को इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। चिरंजीत का दावा है कि उनसे आईसीएमआर के भुवनेश्वर या पटना सेंटर पर टेस्ट किए जाने की बात कही गई है। चिरंजीत पश्चिम बंगाल के ईस्ट वर्धमान से हैं। आपको बता दें कि टीओआई की खबर के मुताबिक चिरंजीत ने बताया कि आईसीएमआर पटना के सेंटर से रविवार को उनके पास फोन आया और कहा गया कि जल्दी ही टेस्ट के लिए उनकी जरूरत होगी। उन्होंने कहा मैं अप्रैल में आईसीएमआर को एक अनुरोध भेजा था जिसमें मैंने कहा था कि मैं वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना चाहता हूं। टेस्ट इंसान पर होना है, आखिर किसी न किसी को आगे आकर जोखिम उठाना पड़ता है, फिर मैं क्यों नहीं। तो ये मेरी मानव जाति और देश की सेवा के लिए एक कोशिश है। मैं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हूँ, इसको लेकर मुझे कोई तनाव नहीं है। तो दोस्तों जिस तरह से कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए चिरंजीत ढीबर जी आगे बढ़कर आए हैं, आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि हवा से भी फैलता है खतरनाक कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने WHO को भेजी है चेतावनी। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसकी जुड़ी नई बातें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से भी फैलता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कोरोना वायरस एयरबोन यानी कि हवा के जरिए फैलता है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को चेतावनी भेजी है।
अपने रिसर्च में इन वैज्ञानिकों ने माना है कि नोवेल कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल जाइए, किसी बिना किसी मास्क के घर से बाहर निकलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि चीन के मसले पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तब डी एस्केलेशन क्यों। जी हम बात करें कि चीन के साथ जारी तनाव को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें कहा गया है कि हमारे देश की सीमा में कोई नहीं घुसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सवाल किया है कि पीएमओ के मुताबिक ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तब डी एस्केलेशन क्यों। जी आपको बता दें कि वैसे ने पूछा कि क्या किसी भी सूरत में डी एस्केलेशन का मतलब है कि चीन को वो करने देना चाहिए जो वे चाहता है। इसके साथ ही वैसे ने सवाल उठाए कि हम चीन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। असदुद्दीन वैसे ने कहा कि जब 6 जून के समझौते के बाद उसने धोखा दिया है, क्या चीन ने डी एस्केलेशन का भी वादा किया था। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि 34 करोड़ भारतीयों के ईमेल और मोबाइल पर हमला, चीनी हैकर्स की ऑनलाइन बमबारी। जी हम बात करें कि लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच चीन के हैकर्स ने भारत पर धुआंधार ऑनलाइन बमबारी भी की थी। 1 से 10 जून के बीच 10 करोड़ भारतीयों को ईमेल और 24 करोड़ लोगों के मोबाइल पर थ्रेट मैसेज भेजे गए। हैकर्स का इरादा इन फर्जी संदेशों के जरिए कंप्यूटर और मोबाइलों में सुरक्षित डेटा को क्षति पहुंचाने तथा नेट बैंकिंग में सेंधमारी का रहा है और इस तरह के हमले अब भी जारी है। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार भारतीयों के ईमेल व मोबाइल नंबर हैकर्स ने चीन के विभिन्न ऐप के माध्यम से जुटाए हैं और मध्य प्रदेश पुलिस को साइबर ठगी की जांच में सहयोग करने वाले साइबर विशेषज्ञ व इथिकल हैकर मानस शुक्ला कहते हैं कि बड़ी संख्या में मैसेज कोविड-19 से जुड़े भेजे गए हैं। इनके लिंक पर क्लिक करते ही तमाम लोगों का कंप्यूटर रिकॉर्ड गायब हो गया है और झांसा देने के लिए इनाम जीतने और लॉटरी निकलने के मैसेज व ईमेल भी भेजे गए हैं। और बता दें उधर संकट में ओली सरकार, फिर भी बॉर्डर पर बाज नहीं आ रहा नेपाल। पीलीभीत के पास कर रहा था निर्माण, भारत ने यूं दिया जवाब। जी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इस्तीफे देने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं के दबाव का सामना कर रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भविष्य अब बुधवार को तय होगा। इस संबंध में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक तीसरी बार भी स्थगित कर दी गई है। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार पर इन दिनों भले ही संकट के बादल मंडरा रहे हों, मगर पड़ोसी देश भारत से लगी सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में भारत नेपाल के बीच नौ मेंस लैंड के पास नेपाल द्वारा निर्माण कार्य करने की खबर आई। आनंद फानन ये बात जिलाधिकारी को पता लगी तो वे मौके पर टीम के साथ पहुंचे और पत्रकारों ने जब इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर से यहां पर कुछ निर्माण किया जा रहा है। नेपाल की तरफ से आश्वासन दिया गया कि नौ मेंस लैंड वाले इलाके में उसकी तरफ से कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि रंग में मानसून, महाराष्ट्र, पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्व पश्चिमी और मध्य प्रदेश में बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ तथा कोंकण व गोवा में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान भारतीय मौसम विभाग ने जताया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में भी अगले दो दिनों में मध्य से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बिहार में भी इस समय बारिश का सिलसिला जारी है। यहां सोमवार और मंगलवार को भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।